पुलिस एक शख्स को उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर के लिए पकड़ती है। उसने रिसेंट एक इंटरव्यू में जो कहा, क्या एक बॉलीवुड फैन बॉय की दीवानगी है या फिर एक सन की कातिल का, आप खुद ही सुन लीजिए। बल्लू क्यों हत्या की, क्या मामला? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा, और धोखे तो देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। बल्लू संजय फैन हूँ संजय का सर में। और बिल्लू सांडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा, और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर करा है मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे? जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा दिया तुमने, मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा दे या दोस्ती में धोखा दे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्त को भी मार दूंगा। बम बनाना तो ना था, सीख जम्मा, कोई बात नहीं, टैंक रोजी ऐसी चीज है, सीख जम्मा, कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं, हाँ तो मैं भी सीख जम्मो। घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी। 2021 यूपी बुलंदशहर खुर्जानगर। आसमा और सलीम दोनों मियां बीवी एक घर के एक कमरे में रहते थे। सलीम होटल में छोटे मोटे काम करके दिन का गुजारा करता था। उसी घर के दूसरे एक कमरे में आदनान अपने फैमिली के साथ रहता था। आदनान भी सलीम के तरह ही छोटे मोटे काम किया करता था। दोनों का फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसा ही था। आदनान बॉलीवुड मूवीज का दीवाना था, जो फिल्म देखता उस फिल्म के हीरो की तरह एक्ट करता। सबसे ज्यादा शायद संजय दत्त का फैन था वो। एक दिन आदनान का नज़र आसमा के ऊपर पड़ी और पहले नज़र में ही आदनान आसमा को पसंद करने लगी थी। आदनान आसमा के करीब जाने लगा था। आसमा भी सलीम को भूल के आदनान को पसंद करने लगी थी। सलीम होटल जाते ही दोनों चुप चुप के मिलते थे और टाइम के साथ साथ दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता गया। कुछ दिन में सलीम को पता चल जाता है आसमा उसे धोखा दे रही थी। सलीम ने सोचा, अगर हम इस लोकेलिटी को छोड़ के दूसरे कोई जगह चले जाएंगे तो आसमा आदनान से और मिल नहीं पाएगी और उन दोनों का रिश्ता यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। मगर ये सिर्फ सलीम का एक बहम था। सलीम और आसमा दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, मगर उनका मिलना और भी बढ़ चुका था। आदनान आसमा को खीर खाने से मिट्टी में बुलाता था मिलने के लिए। आदनान आसमा को एक फ़ोन भी गिफ्ट करती है आसमा से बात करने के लिए। आदनान ने आसमा को जो फ़ोन दिया था वो एक कीपैड छोटा फ़ोन था, जो आसमा को पसंद नहीं था या फिर उससे साउंड सही तरीके से नहीं आता था। इसीलिए आसमा के प्यार में पागल आदनान अपने सारी जमा पूंजी को एक साथ करके एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीद के देता है आसमा को। आसमा को भी आदनान से मिले हर एक गिफ्ट पसंद आ रहा था, मगर आसमा नहीं जानती थी जो आदमी अपने परिवार, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को भूल के अपने पागलपन के खातिर इतना सब कुछ कर सकता है, वो आदमी को अगर दूसरा कोई पसंद आ जाए तो उसके लिए वो क्या करेगा। आसमा अभी तक आदनान का असली रूप नहीं देखा था, मगर कुछ ही दिन में आदनान का सन की रूप आसमा देखने वाली थी। आदनान आसमा को फ़ोन करके बुलाता था मिलने के लिए, मगर कुछ दिन से आसमा आदनान की कॉल पिक नहीं कर रही थी। कई बार आसमा का फ़ोन बिजी आ रहा था और कभी कभी आसमा बाद में कॉल बैक कर लेती थी। आदनान को शक हो गया था आसमा का मुझे छोड़ के दूसरे और कोई आशिक है। इसी बात को लेकर दोनों का रिश्ता बिगड़ते गया। बात बात में दोनों के बीच झगड़ा होता था। आदनान ने तय किया आसमा को सबक सिखाना जरूरी है। सनकी आदनान बॉलीवुड हीरो की तरह प्यार में धोखा देने वाले का एक ही सजा तय किया था, मौत। 11 जून 2024 आदनान आसमा को उसी से मिट्टी में बुलाती है। आदनान के मन में जो चल रहा था उसका भनक आसमा को नहीं थी। आसमा से मिलते ही आदनान उसका फ़ोन लेके कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। आसमा आदनान और सलीम को छोड़ के और भी लड़कों के साथ बातें करता था। आसमा सलीम को ही नहीं बल्कि आदनान को भी धोखा दे रहा था। आसमा कुछ कहने से पहले ही आदनान गुस्से में अपने पॉकेट से एक नाइफ निकल के आसमा के गले के ऊपर चला देता है। आसमा की मौत अपने ही सन की बॉयफ्रेंड के हाथ हो चुका था। सुबह का वक्त था, आदनान को किसी ने भी आसमा को मरते नहीं देखा था। आदनान अपने काम करके चुपचाप निकल गया। उसने सोचा था फिल्म में हीरो जैसे पुलिस को चकमा देके भाग जाते हैं, वैसे ही वो भी भाग पाएगा। आदनान को फिल्म और रियलिटी के बीच का अंतर मालूम नहीं था। दोपहर को कुछ लोगों ने आसमा की बॉडी देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। दूसरी तरफ सलीम शाम को होटल से घर लौट के कहीं पर आसमा को नहीं देखा। सलीम पुलिस के पास जाके सब कुछ बताया, आसमा और आदनान के रिलेशनशिप के बारे में भी। पुलिस को पता चल चुका था सीमेंट में मिली डेड बॉडी आसमा की थी
बाद में सलीम ने भी आइडेंटिफाई किया। पुलिस आदनान को उसके घर से ही उठा लेता है और मर्डर वेपन भी उसके घर से ही मिला। ये कन्फर्म हो चुका था आसमा का मर्डर आदनान ने ही किया था। अरेस्ट के समय आदनान अपने आप को डिफेंड भी नहीं करा, उसके लिए ये सब कुछ बॉलीवुड फिल्म के तरह ही था। हीरो जैसे धोखे का बदला लेता है, उसने भी खुद को हीरो मान के वैसा ही किया। आदनान को अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। अगर उसको कोई धोखा देगा उसका हाल वो ऐसा ही करेगा। सभी एविडेंस आदनान के खिलाफ ही था और आदनान अपने जुर्म भी कबूल कर चुका था। कुछ ही दिन में उसको उसके किए की सजा मिलने ही वाला है। हमारे बीच आदनान जैसे कुछ लोग रहते हैं जो फिल्मों का इतना दीवाना है, असली जिंदगी और फिल्म के दुनिया का डिफरेंस वो नहीं जानते हैं। आदनान जैसे सनकी लोगों से बच के रहिए और हम मिलेंगे दूसरे और एक न्यू वीडियो में और एक नई इनह्यूमंस के साथ।